आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रही, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान स्मृति ईरानी का देसी अंदाज भी देखने को मिला और ये लोगों को खूब पसंद भी आया। राहुल गांधी पर चुटकी भी ली। देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ देसी अंदाज नजर आया है स्मृति ईरानी का। अमेठी में स्मृति ईरानी, महिलाओं का किया सम्मान, जनचौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दो दिनों के अमेठी दौरे पर रहीं, जहां अपने संसदीय क्षेत्र पर आईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एचएएल कोरबा में गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं इस दौरान कई महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दादरा के हिंगलाज परिसर में आयोजित चौपाल में भी शिरकत की। यहां लोगों की समस्या सुनने और उनका निस्तारण करने के बाद स्मृति ने गांवों के विकास से जुड़ी बड़ी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ने कहा कि ये मेरा प्रयास है कि मैं गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों से स्वयं पूछूं कि अपने गांव में विकास का वो कौन सा काम कराना चाहते हैं, और ऐसा कोई विकास का कार्य आप चाहते हैं तो गांव में मुझे लिखित में दीजिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का देसी अंदाज भी देखने को मिला। चौपाल कार्यक्रम से निकलने के बाद दादरा जाते समय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला वारिसगंज चौराहे पर रुक गया। यहां गाड़ी से उतरते ही स्मृति गन्ने का जूस निकाल रहे राहुल सरोज की दुकान पर रुक गई, जहां स्मृति ईरानी ने गन्ने का जूस पीते हुए राहुल गांधी पर चुटकी भी ली, जिसके बाद स्मृति ने दुकानदार को 1,000 रुपए दिए और उसके नाम को लेकर हंसते हुए चुटकी लेने लगी। हिसाब पूछते हुए उन्होंने कहा कि तेरा नाम राहुल है, इसीलिए हिसाब पूछना पड़ रहा है। स्मृति की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। बता दें कि जहां गौरीगंज के मणिपुर गांव में स्थित प्रकाश सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर बच्चों को पढ़ाया, करीब 15 मिनट बच्चों को पढ़ाने के बाद स्मृति ईरानी जयपुरिया स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और निजी सचिव विजय गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। अमेठी में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं सुनने के लिए समय समय पर स्मृति ईरानी अमेठी आती रहती हैं। और एक बार फिर उनका 2 दिवसीय दौरा रहा, जिस दौरान उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला, बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आई। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।